अगर आपको पढ़ाने का काफ़ी शौक़ है और आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कॉलेज लेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि लेक्चर किसे कहते हैं, कॉलेज लेक्चर कैसे बने, कॉलेज लेक्चर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में लोग कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना कर ले, लेकिन जो इज्जत एक गुरु, शिक्षक, प्रोफेसर या फिर लेक्चर को मिलती है वो किसी नौकरी में पाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि एक गुरु बच्चों की ज़िंदगी होता है। अगर शिक्षक बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो यकीन मानिए वो बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो ज़रूर कामयाब भी हो ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु ही बच्चे के लिए भविष्य होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्यार और सम्मान एक गुरु को मिलता है वो प्यार और सम्मान किसी और को कभी नहीं मिलता है। ऐसे तो कॉलेज लेक्चर बनना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है। क्योंकि आपको वही चीज़ पढ़ाना होता है जो आप पढ़ते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आपको कितना मेहनत के साथ पढ़ाई करना होगा। खैर, लेक्चर किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको आपके विषय की जानकारी देता है तथा उसे एक्सप्लेन करके समझाता है और उस पर लेक्चर यानी भाषण देता है, ताकि आपको उस विषय के बारे में जानकारी हो, उस व्यक्ति को हम लेक्चर कहते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज में जो हमें पढ़ाते हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को खुद से पढ़ के हमें अच्छे तरीके से समझाते हैं, उसी को हम कॉलेज लेक्चर कहते हैं। इनका काम होता है कि स्टूडेंट को आसान भाषा में चीज़ों को समझाना, ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इसके लिए एक टीचर को या फिर कॉलेज प्रोफेसर को बहुत मेहनत से पढ़ाई करना होता है, तभी आप एक अच्छे कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं और तभी तो आप एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कॉलेज लेक्चर में आपको हर एक चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट आपको पूछे तो आप उसका जवाब अच्छे से दे सके। अगर आप कॉलेज लेक्चर बनकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो उससे पास करनी होगी, ताकि आप उसी सब्जेक्ट से आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। और हमेशा ऐसा ही सब्जेक्ट पसंद करना चाहिए जिससे हमें पढ़ने में इंटरेस्ट लगता हो। तो जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है। और ध्यान रहे कि आप जिस भी सब्जेक्ट से 12th पास किए हैं, ठीक उसी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करनी है। लेकिन आप चाहो तो सब्जेक्ट को बदल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसी से ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ले। तो जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री पूरी करनी होती है, ताकि आप UGC नेट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सके। बिना मास्टर डिग्री के आप UGC नेट टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आप साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करें, ताकि आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बन सके और अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा सके। दोस्तों, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आपको UGC नेट टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। ये एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है, जिससे पास कर आप एक लेक्चर के रूप में किसी भी कॉलेज में नौकरी पाने के योग्य हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लेक्चर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर आप लेक्चर के पद पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, पर फिर भी एक अनुमान के अनुसार इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें ST, SC, OBC कैंडिडेट यानी आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाती है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि एक कॉलेज लेक्चर की सैलरी कितनी होती है, और आपको कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन एक कॉलेज लेक्चर की सैलरी बहुत अधिक होता है। अगर आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं, क्योंकि आप कॉलेज लेक्चर के अलावा और भी दूसरा काम कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं, जिसे आपको अलग से अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है एक अच्छा टीचर बनने की, इसके बाद आपको कभी भी कमी नहीं होती है पैसे की। खैर, अगर आप एक कॉलेज लेक्चर या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 40,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है, और ये सैलरी आपके पोस्ट के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा होते जाता है, ऐसे ऐसे आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती ही जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्चर किसे कहते हैं, लेक्चर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कॉलेज लेक्चर कैसे बने।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।